इस वक्त किम जोंग उन रूस में है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ किम की बैठकों का दौर भी जारी है। इस बेहद अहम मुलाकात पर अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक टेंशन में है। किम जोंग उन महायुद्ध में पुतिन को आखिर कौन सा हथियार देने जा रहे हैं और बदले में उत्तर कोरिया आखिर रूस से क्या चाहता है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जिससे युद्ध की दशा और दिशा ये दोनों की दोनों बदल सकती है। किम जोंग उन, ना तो सुना ही होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का भूखा, परमाणु बम के लिए पागलपन की हद तक जाने वाला, हथियार के लिए देश की जनता को भूखा मरने देने के लिए छोड़ देने वाला, तो किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात से किम जोंग उन क्या हासिल करना चाहते हैं और जंग के बीच रूस किम जोंग उन के लिए क्यों पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा था, इन सबकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि 18 महीनों के महायुद्ध के साए में उत्तर कोरिया और रूस के बीच जो रिश्ता पनपा है वो अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है, ज़ेलेंस्की के लिए बेचैनी लाने वाला है। लेकिन इन सब की बात आगे, अभी किम जोंग उनकी उस ट्रेन को देखना जरूरी है जिसे बख्तर बंद कहा जाता है। किम जोंग उन इस ट्रेन से रूस पहुंचे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किम जोंग उन रेल सवारी कर किसी दूसरे देश गए हों, लेकिन रेल से किसी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात आम नहीं, बहुत खास है। किम जोंग उन की ट्रेन मामूली नहीं बल्कि हथियार बंद ट्रेन है। इस ट्रेन में रॉयल सुविधाएं हैं। किम से पहले उनके दादा और पिता भी इस रॉयल ट्रेन से ही आना जाना करते रहे, मतलब ट्रेन भी खानदानी है। लेकिन किम जोंग उन दूसरे नेताओं की तरह ट्रेन से ही सफर क्यों करते हैं, तो इसका कारण बताया जाता है कि किम जोंग उन को उड़ने से डर लगता है, लिहाजा जहां तक हो सके वो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। इस ट्रेन की खासियत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम टू संघ को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान किम जोंग उन के दादा ने इस ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया। यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई। लकड़ी के बेहद भारी भरकम काम वाली यह ट्रेन जल्द ही किम खानदान की शाही ट्रेन बन गई। कहा जाता है कि 2011 में किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर काम करते हुए हुई थी। वो तब किसी राजनीतिक काम से प्योंगयांग से बाहर सफर कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें ट्रेन में दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि किम जोंग उनके खानदानी ट्रेन की उत्तर कोरिया के लिए क्या अहमियत है। करीब 250 मीटर लंबी ट्रेन सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके किसी भी डिब्बे पर गोली बारूद का असर नहीं होता। इस ट्रेन में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं। यही कारण है कि ट्रेन और भारी होती है, जिसका असर उसकी स्पीड पर भी पड़ता है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन भी उसी पटरी से जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीछे पीछे किम जोंग उन की शाही ट्रेन होती है।
जिसके बाद एक और ट्रेन भी रहती है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी और बाकी चीजें रहती हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाने वाले इस तानाशाह की ट्रेन भी उतनी ही राजसी है। इसमें 22 बोगियां हैं, हर बोगी में विशाल बाथरूम भी है और डाइनिंग भी। ट्रेन में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। लंबे सफर के दौरान अगर लीडर बोरियत महसूस करने लगे तो उसके मनोरंजन के लिए डांसर्स का दल रहता है। हर कोच में टेलीविजन है, लेकिन इसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो उत्तर कोरियाई विकास की ही जानकारी दें। किम के पास इल्यूशियन IL-62 नाम का प्राइवेट प्लेन है। इसे चाम्मे 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान का इंटीरियर काफी हद तक अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह बनाया गया है। प्लेन में किम जोंग उन के आराम के लिए बेडरूम और मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। मेडिकल टीम और सिक्योरिटी एजेंट्स हर दम मौजूद रहते हैं। लेकिन किम जोंग उन को कहा जाता है कि उड़ने से डर लगता है, लिहाजा जहां तक हो सके जनाब ट्रेन में ही सफर करते हैं। वैसे किम जोंग उन के कपड़े हो, किम जोंग उन की रेल की सवारी हो, किम जोंग उन के परिवार से जुड़ी जानकारी हो, किम जोंग उन के देश चलाने की जानकारी हो, किम जोंग उन के परमाणु बम विस्फोट की जानकारी हो, इंटरनेशनल मीडिया में किम जोंग उन को लेकर कभी भी कोई पूर्ण रूप से सच्ची जानकारी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि किम जोंग उन के देश में सिर्फ वही दिखाने की इजाजत होती है जिसकी मंजूरी खुद किम जोंग उन दे। इसीलिए कहा जाता है कि रूस पहुंचे किम जोंग उन के दिमाग में जरूर कुछ नया और बड़ा चल रहा है। कहा जा रहा है कि 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मीटिंग नए मोड़ लाने वाली हो सकती है। हो सकता है कि किम और पुतिन दोनों एक दूसरे को किसी तरह की मदद दें, लेकिन ये मदद क्या हो सकती है अभी किसी को कुछ नहीं पता। रूस की मीडिया में किम जोंग उन के रूस पहुंचने की खबर तो चल रही है, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। किम जोंग उन के साथ मिलिट्री के टॉप कमांडर भी हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किम जोंग उन और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक 2 मुलाकातों के बाद पुतिन और किम जोंग उन डिनर करेंगे। पुतिन इससे पहले 2019 में भी किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक शहर में ही मिले थे। पुतिन के बहुत खास दिमित्री पेस्कोव को सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाएगी, लेकिन यह बेहतरी कैसे होगी? क्या हथियार देकर? पहले भी पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि उत्तर कोरिया रूस को मिसाइलें पहुंचा रहा है। पुतिन कहें तो उत्तर कोरिया अपने विध्वंसक हथियारों का गोदाम उनके लिए खोलने को तैयार है। किम जोंग उन के रूस दौरे में इसी तरह की किसी बड़ी डील की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नजर इस मुलाकात पर रहेगी। हम नॉर्थ कोरिया से अपील करते हैं कि वो रूस को किसी भी तरह के हथियार ना दें। हालांकि युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान से भी अपील की, बेलारूस से भी अपील किया, लेकिन पुतिन को हथियार देने से अमेरिका इन देशों को रोक नहीं पाया। ईरान के ड्रोनों से यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें बहुत ताजा हैं। किम जोंग उन अगर रूस यात्रा पर पहुंचे हैं तो उनके लाभ लश्कर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। किम जोंग उन की प्राइवेट ट्रेन में उनके साथ उत्तर कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी के इंचार्ज हैं। नॉर्थ कोरिया के पास लाखों की संख्या में आर्टिलरी शेल और रॉकेट हैं जो उसने सालों लगाकर बनाए हैं। कोई जंग नहीं होने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किम जोंग उन के हथियारों का भी जायजा लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया रूस से सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी चाहता है। इसके अलावा किम जोंग उन अपने लिए खाद्य सहायता भी चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में अनाज की काफी किल्लत रहती है। किम जोंग उन की यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों में तनाव है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते खुफिया जानकारी जारी की थी कि उत्तर कोरिया और रूस अपने नेताओं के बीच इस महीने एक बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। पुतिन
इस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं। साल 2019 में पुतिन ने इसी स्थान पर किम जोंग उन से पहली बार मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया में खबर छप रही है कि पुतिन यूक्रेन के जवाबी हमलों को शांत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा होने पर अमेरिका और उसके साझेदारों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि 18 महीनों में यूक्रेन को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार देने के बावजूद लड़ाई खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इधर उत्तर कोरिया के पास सोवियत डिजाइन पर आधारित लाखों तोपों के गोले और रॉकेट हैं, जिससे रूसी सेना को मदद मिल सकती है, लेकिन ये मदद रूस के कितने काम आएगी और पुतिन किम जोंग उन के बीच की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी, इसकी डिटेल फिलहाल तो कम से कम किसी के पास नहीं है।